दर्शकों, मैं दिव्या खोपड़े और आप देख रहे हैं जेटीवी भारत। आइए रुक करते आज के मुख्य समाचारों की ओर। मामला भिंड जिले के उमरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत रूर गांव का है, जहां पुरानी रंजिश को लेकर कमल सिंह के साथ में आधा दर्जन से अधिक लोगों ने लाठी डंडों से की जमकर मारपीट। 10 से 15 मिनट तक रूर की पुलिया पर मारपीट की गई। उसके बाद में कमल सिंह को उमरी बाजार में लेकर गए, जहां सदर बाजार में कमल सिंह के साथ में आधा घंटे तक दबंगों ने की जमकर मारपीट। गंभीर अवस्था में दबंग लोग छोड़कर चले गए। स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी सूचना। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया। जिला चिकित्सालय के डॉक्टरों के द्वारा कमल सिंह को बेहतर इलाज के लिए ग्वालियर रेफर किया गया। ग्वालियर में इलाज के दरमियान कमल सिंह की हुई मौत, परिजनों ने हत्या की लगाए आरोप। वहीं फरियादी ने उमरी पुलिस में जाकर मामला पंजीबद्ध करवाया। फरियादी के कहे अनुसार 6 लोगों के खिलाफ मामला पंजीबद्ध किया गया। वही मामले में 2 अज्ञात आरोपी भी है, जिनमें उमरी पुलिस के द्वारा 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मृतक के परिजनों ने कहा कि 20 दिन पहले उमरी में हुई हत्या एवं लूट की घटना को 20 दिन नहीं बीत पाए, उसके बाद में एक और बड़ी घटना को दबंगों ने दिया अंजाम। हालांकि उमरी पुलिस के द्वारा शेष आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात थे। वहीं मौके पर स्थानीय विधायक संजीव सिंह कुशवाहा भी पहुंचे। परिवार में दहशत का माहौल है। उमरी क्षेत्र में 15-20 दिन में ये दूसरी घटना है। कमल सिंह के साथ आज से 7-8 महीने पूर्व इन्हीं लोगों ने इतनी बेरहमी से मारा था और उन्हीं लोगों ने ये दोबारा फिर एक घटना को अंजाम दिया है। सुनने में आया यहाँ वो लगन में आए थे किसी कार्यक्रम में? हाँ, सुनियो, ये तरीके से वो यहाँ कल एक रूर में लगन थी, उसमें आए थे। एक लड़का भेज के कमल सिंह को घर से बुलाया और कमल सिंह के पास मोटरसाइकिल नहीं थी तो वो ट्रैक्टर लेके गए। वहाँ जब देखा तो वही लोग उन्हें नज़र आए जो पूर्व में उनके साथ मारा पीटी थी। पुलिस ने इस मामले में मामला पंजीबद्ध किया है या आरोपी गिरफ्तार किए गए? हाँ, पुलिस ने बताया है कि 307 का मुकदमा पहले काम किया था। जब कमल सिंह आज ख़त्म हो गए तो उसी मामले को 302 में कन्वर्ट कर दिया है और 2 या 3 आरोपी पकड़े गए हैं। बाकी के जो आरोपी हैं, अभी बताया SDO साहब ने कि उनके विरुद्ध शायद 10-10 हज़ार का इनाम भी घोषित किया है। क्या मानते हैं जिले में लगातार ऐसे अपराध बढ़ रहे हैं, पुलिस क्या मानते? बड़ा चिंतनीय विषय है कि खासकर उमरी क्षेत्र में लगातार एक घटना घटने के बाद और दूसरी घटना घट गई, तो इससे ये प्रतीत होता है कि अपराधी बेखौफ हैं। ये मानता हूँ बात कि पुलिस मेहनत कर रही है और पुलिस पूरे निरंतर प्रयास में है कि पूर्व में जो मोहन सोनी की घटना हुई थी उसको खोजें, और खोजने के हद तक पहुंच रही है। और पुलिस की इतनी मेहनत के बावजूद भी अपराधी इतने निरंकुश हो गए हैं कि उन्होंने दूसरी घटना को अंजाम दे दिया। लगातार ऐसी घटना घटती नहीं तो क्षेत्र में हालात है? जी, तो निश्चित बात है कि क्षेत्र में दहशत का माहौल है। जो बाज़ार रात के 11 बजे तक खुलता था, आदमी बेधड़क कहीं भी किसी जगह जाता था, आज जाने में बाज़ार खुलने में निश्चित तौर पर चिंतनीय विषय है, निसंकोच पैदा कर रहा है। शुक्रवार की दरमियानी रात इनके साथ वारदात हुई थी, इनका इलाज कितना हो पाया, ग्वालियर कितनी देर से? हमें रात को 1 बजे पता चला तो हम पहुँचे, सीधे भिंड पहुँचे। वहाँ से जब तक हम भिंड पहुँचे तब तक रेफ़र कर दिया गया था ग्वालियर के लिए, तो ग्वालियर हम साथ ले गए। GS में भर्ती कराया, 1 घंटे वहाँ कराया काम, इलाज सही नहीं मिला तो वहाँ से मैं खुद रेफ़र करके बिरला हॉस्पिटल लेके आया। तो बिरला हॉस्पिटल में